उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्र लोक दल के जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस रलोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने 6 जुलाई को होने वाले रलोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह समरसता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्र लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में 10 कार्यक्रम करेंगे, जिसके तहत ही जयंत चौधरी छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करेंगे और क्षेत्रवासियों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए रूबरू भी करवाएंगे। उसी को लेकर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने रणनीति बताई। गौरतलब के अनुसार ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में रलोद के समरसता अभियान चल रहा, जिसके तहत रलोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चर्चा की। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग हुई है। मीटिंग का मकसद यह है, हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनपद मुजफ्फरनगर में 6 जुलाई को आ रहे हैं। 5 जुलाई का कार्यक्रम उनका श्यामली में है और 6 जुलाई का कार्यक्रम उनका जनपद मुजफ्फरनगर में है, और जनपद मुजफ्फरनगर में चरथावल विधानसभा में उनके 10 कार्यक्रम होने हैं। क्या कार्यक्रम का नाम दिया? कार्यक्रम का नाम समरसता अभियान के नाम से पूरे देश के अंदर उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, और अभी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 11 और 12 तारीख में उनका कार्यक्रम बिजनौर में था। 2 दिन बिजनौर में रुके और वहाँ पे भी कम से कम 25-26 कार्यक्रम थे। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो हमारे बीच में 6 जुलाई को आ रहे हैं, और उनका कार्यक्रम चरथावल विधानसभा में प्रस्तावित है। 10 गांव के अंदर वो जाएंगे, 10 मीटिंगों को संबोधित करेंगे, और समरसता अभियान का मतलब ये है कि सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा कर राष्ट्रीय लोकदल के प्रति आकर्षित करना। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रालोद तैयारी कर रही है? देखो, लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहेगा? देखो, वो तो नेता का निर्णय है गठबंधन किससे होगा, पर पार्टी अपने जनपद में पूरी मजबूती के साथ 2024 की तैयारी में लगी है, और हमारे नेता का जो भी निर्णय 2024 के लिए होगा, पार्टी का एकक कार्यकर्ता, पार्टी का एकक नेता और हमारी पार्टी के सभी विधायक पूरी ताकत के साथ गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम इस जनपद में करेंगे। जी, रालोद से जो भी नवनिर्वाचित बने थे चेयरमैन खतौली के, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है 420 में। देखो, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, शाहनवाज लालू की तो आप चर्चा कर रहे हैं, खतौली की। अभी जनपद में जिला सहकारी विकास संघ का चुनाव हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पता कर लेना आप डिपार्टमेंट में जाकर। क्या आदमी ऐसा भी होता कि निर्वाचित होने के नेक्स्ट डे उसको लिख के डाल दिया कि उसने इस्तीफा दे दिया और सीट खाली करा दी? जो मोरना से जो डायरेक्टर निर्वाचित हुए थे, दलित समाज के लिए वो सीट आरक्षित थी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया, और वो बात करते हैं दलित की, क्या दलित के साथ ही ऐसा क्यों किया? अभी 23 तारीख को चुनाव हो रहा है जनपद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग और कुछ पूर्व विधायक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी जनपद में बना रहे हैं, जिन लोगों का बैंक के अंदर पहुंचने का कोई औचित्य नहीं बनता। जो लोग पिछली बार भी फर्जी डायरेक्टर के रूप में बैंक में 5 साल काम किया, आप लालू की तो बात कर रहे हैं, उन लोगों को देखो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चुनाव करा रहे हैं? एक आदमी को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिया, विड्रोल तक वापस करा के साइन करके कह दिया विड्रोल पे साइन करो, उसके बाद नॉमिनेशन का आपको फॉर्म मिलेगा। अगर उनकी सदस्यता भी जाती है चेयरमैन की जाती है? देखो, रही खतौली की बात, हमारी पार्टी के वहाँ चेयरमैन बने हाजी शाहनवाज लालू जी, पूरी पार्टी हाजी शाहनवाज लालू के साथ है, उनसे मेरी बात हुई थी, कल उनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, हम वकील के माध्यम से बात कर रहे हैं कि इसको कैसे क्या बात करनी है, और जो उनके खिलाफ उनके प्रमाण पत्र पर आपत्ति की गई है और प्रमाण पत्र को निरस्त करने का काम कमेटी ने यहाँ किया है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, और निश्चित जो भी आगे का